हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ में फिर से एक बार एक सोया की ही रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन ये सोया रेसिपी जो है इसे आप स्नैक्स की तरह एंजॉय कर सकते हो। इवनिंग स्नैक्स में आप इसे ले सकते हो। बेसिकली सोया जो है ये ऐसा एक ग्रेन है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है, बहुत पौष्टिक होता है। फिर आप सोया चाप ले लीजिए, सोया के जो चंक्स आते हैं, जैसे आज मैंने इस्तेमाल किए हैं सोया चंक्स जो मीडियम साइज़ एंड बिग साइज़ में आते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स भी आते हैं। तो इन तरीके के जो सोया के वेरिएशन से अलग अलग, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, ये बहुत ही पौष्टिक माने जाते हैं। तो आज जो है मैंने ये मीडियम साइज़ सोया चंक्स के साथ में एक इवनिंग स्नैक बनाया है जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है एंड बिल्कुल झटपट बन जाता है। हार्डली आपको 10-15 मिनट्स का टाइम इनको लगता है बनने के लिए। स्नैक है, थोड़ा चटपटा होता है, कम ऑयल में बनाया है हालांकि मैंने इसको, लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये थोड़ा फिंगर फूड है, राइट? तो फिंगर फूड जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड आपको उनको खिलाना नहीं पड़ता है फिंगर फूड, राइट? तो क्या है, बच्चे अपने आप से खा लेते हैं तो वो एक मॉम के लिए सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि बच्चे अपने हाथ से खा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, जो भी खा रहे हैं वो जंक नहीं है, बहुत पौष्टिक है। तो हर माँ के लिए ये बहुत ही एक अच्छी वाली फीलिंग है, अच्छी एक हैप्पीनेस देने वाली चीज़ है। तो सोया चंक्स जो है आप इस्तेमाल कर लीजिए अपनी डाइट में एंड अपनी लाइफ को और हेल्दी बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे जो है मैंने मीडियम साइज़ के सोया चंक्स लिए हैं, इनको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। 3 से 4 पानी से वॉश करने के बाद में ही आपको इन्हें जो है ना उबाल लेना है। आपको उबालने के लिए गरम गरम पानी में इनको डाल दीजिए, साथ ही में आपको थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने ये सोया चंक्स ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे एंड इनको हम लोग जो है ना अच्छे से बॉईल होने देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक आपको यहीं पे ऐड कर लेना है बॉइलिंग स्टेज पे। इस तरीके का झाग आता है, जब तक ये झाग नहीं चला जाता ना 10 मिनट तक, तब तक आपको इन्हें जो है ना अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए 10 मिनट्स बाद जो है अभी मैंने इनको जो है एक छलनी में उतार लेना है। पानी जो है ये पानी को हमें फेंक देना है, उसका हमें कोई यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा इन्हें ठंडा होने दीजिए एंड इनको जो है ना पानी से आपको वॉश कर लेना है। टैप से आपका जो भी पानी आता है ना, रनिंग पानी, उससे आप इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के हमें इन्हें वॉश कर लेना है। इनमें से जो भी पानी है वो हमें सारा हटा लेना है। तो सोया की जो भी रेसिपी आप लोग बनाते हो ना, तो सोया की रेसिपी क्या है, बनाने से पहले ये वाले जो प्रोसेस है ना, ये जो स्टेप्स हैं, ये फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मेरी सोया चंक्स जो है वो अच्छे से वॉश कर ली है, अभी मैं इनको निचोड़ रही हूँ। आप देखिए बिल्कुल मैं एकदम हार्डली इनको निचोड़ रही हूँ, इनके अंदर जो भी पानी है ना वो सारा आपको निकाल देना है। तो इस तरीके से आप सारे सोया चंक्स को जो है निचोड़ के ड्राई होने के लिए रख दीजिए। बाउल में मैंने यहाँ पे ले लिया है हंकड़। हंकड़ में मैंने ऐड कर दिया है लगभग 1 टीस्पून, ये है धना, अखा धनिया, जीरा एंड सौंफ, इनका पिसा हुआ पाउडर है ये, इनको मैंने मिक्स कर लिया था। लगभग 1 टीस्पून वो मैंने ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून आपको ऐड करना है ब्लैक पेपर एंड साथ ही में आपको यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करना है आमचूर पाउडर। ये देखिए 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है। मैंने मसाले एंड वो सारी चीज़ें जो है थोड़े बच्चों के हिसाब से रखी है, मैं मेरी बच्ची के लिए ये बना रही हूँ। स्वादानुसार नमक भी ऐड किया है। अगर आपको इसे हल्का स्पाइसी और करना है तो आप रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। अभी इनको जो है आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए ऐड कर दी है।
अभी इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हंग कर्ड का मतलब है जो नॉर्मल हमारा घर में दही होता है ना, उस दही को आप कॉटन के कपड़े में बस बांध के रख दीजिए, एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाएगा, बचा हुआ जो कर्ड है उसी को हम लोग हंग कर्ड बोलते हैं। तो वही हमें इस्तेमाल करना है। अच्छे से दही को फेंट लेने के बाद में जो भी हमारे सोया चंक्स हैं, इन सोया चंक्स को अभी हम लोग मिक्स कर देंगे। एंड अभी ये सोया चंक्स जो है इनको आपको मैरिनेट करना है लगभग 10-15 मिनट्स के लिए। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतनी बहुत अच्छी टेस्ट आती है। जितना आपके पास टाइम है उतना आप कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 2-4 घंटा ही आपको मैरिनेट करना है। 10-15 मिनट्स का टाइम इज़ इनफ। अच्छे से इनको आपको जो है दही के साथ में कोट कर लेना है। यहाँ पे जो है आज की रेसिपी हम लोग कम से कम ऑयल में बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो मैंने लगभग यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहे तो इससे कम ऑयल में भी ये बना सकते हो, या फिर आप सिर्फ पैन को जो है ना ऑयल के साथ में ग्रीस कर लीजिए, उसमें जितना ऑयल लगेगा उतना ही ऑयल का आप इस्तेमाल कीजिए, वैसे भी चलेगा। अभी आपको क्या करना है, एक एक सोया चंक को जो है ब्रेड क्रम में जो है इस अच्छे से ऐसे कोट कर लेना है ब्रेड क्रम से, एंड फिर आपको जो है उसे डीप फ्राई कर लेना है। अच्छे से इसे कोट कर लीजिए एंड फिर उसे आप रख दीजिए फ्राई करने के लिए। डीप फ्राई नहीं करना है, आई एम सॉरी, नॉर्मल शैलो फ्राई की तरह हम उसे कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने कैसे एक एक चंक को जो है उठा उठा के उसको जो है कोट कर लिया है अच्छे से ब्रेड क्रम के साथ में, एंड अभी हम इसे जो है यहाँ पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा। अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप फ्राई कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे फ्राई होने के लिए। लगभग 3-4 मिनट का टाइम लगता है। अच्छे से दोनों साइड से इसे आपको फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्राई हो चुका है मेरा पहला वाला बैच। इसको अभी हम लोग निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके की आपकी सोया चंक्स की जो ये रेसिपी है ये बिल्कुल झटपट बन जाती है, इंस्टेंट वाला इवनिंग स्नैक है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है इसे बनाने के लिए। ऑयल की भी मात्रा बहुत कम है इसमें। जो भी आइटम्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए सारे के सारे हेल्दी ही है। हमारे घर में जो भी अवेलेबल होते हैं वही इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल करके ये जो रेसिपी है इसे बनाया है। ये एक फिंगर फूड है जैसा मैंने बताया आपको, तो बच्चों को भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आती है, थोड़ी चटपटी सी है। एंड हम लोगों को भी चाय पानी, चाय के साथ में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है ना खाने के लिए, तो बस ये रेसिपी बना लीजिए आप। सोया चंक्स वैसे भी सबके घर में होते ही है, एंड अगर आप नहीं यूज़ करते हो सोया चंक्स का तो अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए यूज़। बहुत ही हेल्दी है ये सोया चंक्स खाना। इसके साथ में मैंने डिप दिया है टोमेटो सॉस एंड मेयोनीज का। आपको जो पसंद है वो आप डिप इसके साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। कुछ सजेशंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड अगर आपको ऐसी ही और चटपटी वीडियोस की रेसिपीज चाहिए तो फिर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट एक चटपटी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।